हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम संस्कृत का तृतीय पाठ है, तृतीय मतलब तीसरा, तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। तो इसका हमारा टॉपिक है सा, ते, ता, एसा, एते, एता। सा ये स्त्रीलिंग के लिए आ रहा है, वह, ते, वे दो, ता, वे सब, एसा, यह, एते, ये दो, एता, ये सब। मैंने पहले भी आपको बताया था कि संस्कृत में लिंग कितने होते हैं, तीन होते हैं। आप हिंदी में पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी में दो होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, लेकिन संस्कृत में लिंग कितने होते हैं, तीन, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। स्त्रीलिंग क्या होते हैं कि वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। और नपुंसकलिंग जो न तो स्त्रीलिंग में होते हैं न पुल्लिंग में होते हैं, वो नपुंसकलिंग होते हैं, जैसे पुस्तकम, भवनम, फलम इत्यादि। ऐसे ही वचन होते हैं। हिंदी में वचन होते हैं दो, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में वचन तीन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचन। जिस शब्द से हमें किसी एक वस्तु का पता चलता है वो एक वचन होता है, दो वस्तु के बारे में पता चलता है वो द्विवचनम होता है, और दो से अधिक के बारे में पता चलता है वो क्या कहलाता है, बहुवचनम। तो यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक है सा, ते, ता, मैंने आपको पहले बताया था स, तउ, ते, ये क्या है, पुल्लिंग सर्वनाम शब्द है, पुरुष जाति का बोध कराते हैं। स का मतलब वह, तउ का मतलब वे दो, और ते का मतलब वे सब। अब ये शब्द तो आए हैं दूर के लिए, जो हमारा प्रथम अध्याय था, पाठ था, उसमें था स, तउ, ते, एस, एतउ और एते। तो ये तो दूर के लिए, वह, वे दो, वे सब, एस, यह, ये पास के लिए, एतउ, ये दो, और एते, ये सब। ये तो है पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध कराएंगे, इन शब्दों से हमें पुरुष जाति का पता चलेगा। जहां भी पुल्लिंग आए वहां लगता है स, तउ, ते, वह एक के लिए, तउ वे दो के लिए, ते वे सब के लिए, बहुवचन के लिए। अब यहां है स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग एक के लिए सा, द्विवचन के लिए ते, और ता बहुवचन के लिए, लेकिन ये है दूर के लिए, वह, वे दो, वे सब। फिर है एसा, एते, एता, यह, ये दो, ये सब। अब देखिए इस पुस्तक में, देखो आप, ये तृतीय पाठ है। अब इसमें क्या दिया है, सा कलिका अस्ति। कलिका का मतलब क्या होता है, कली, जो फूल की कली होती है, कलिका। अभी क्या आया है, सा कलिका अस्ति। सा मैंने क्या बताया था, वह दूर के लिए, कली दूर है, तो सा कलिका अस्ति। अब आप एक बात और देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, अस्ति का मतलब होता है, जब एक वचन होता है तब अस्ति आता है, द्विवचन आएगा तो स्त लगेगा, और बहुवचन आएगा तो संति लगेगा, अस्ति स्त संति।
आप इसको देख देख कर अपने नोटबुक में भी इसको करेंगे तो आप लिखेंगे, पहले संस्कृत लिखेंगे सा कलिका अस्ति, अब इसका हिंदी अर्थ होगा वह कली है, ठीक, इसका होगा सा कलिका अस्ति, सा ये दूर के लिए आया है, वह कली है, अब क्या है ऐसा माला अस्ति, ऐसा ऐसा माला अस्ति, अब ऐसा किसके लिए आया, पास के लिए आया, यह यहां तो सा था वह, अब ये क्या है यह माला है, ये हो गया हमारा एक वचन सा और ऐसा वह यह, ठीक है, आगे देखिए सा अजा अस्ति, अजा का मतलब क्या होता है, सा अजा अस्ति, अजा का मतलब होता है बकरी, अब सा वह दूर के लिए आ रहा है, वह बकरी है, तो इसका हम लिखेंगे वह बकरी है, फिर है अभी बकरी क्या कर रही है, घास खा रही है, तो सा चरती, वह चरती है, सा चरती, वह चर रही है, घास खा रही है, फिर है ऐसा कोकिला अस्ति, कोकिला, कोकिला का मतलब क्या होता है, कोयल,